विद्या बालन की फिल्म शेरनी घिरी विवादों में, कानूनी शिकंजे में फंस सकती है शेरनी। शूटर ने दी कोर्ट जाने की धमकी। वेल, विद्या बालन की रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरनी जहां दर्शकों को बेहद पसंद आई है, वहीं अब रिलीज के बाद विवादों में फंसती नजर आ रही है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के शूटर असगर अली खान फिल्म मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। असगर का दावा है कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले फिल्म मेकर्स को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असगर का कहना है कि फिल्म में शेरनी अवनी की किलिंग को लेकर फैक्ट्स को तोड़ा मोड़ा गया है। असगर अली खान ने न्यूज एजेंसी INS के साथ बातचीत में कहा, हम अपने लॉयर से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि इस बारे में अभी तक हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। मीनवाइल, इट इज बीन रिपोर्टेड कि असगर अली जाने माने शूटर नवाब सहाफत अली खान के बेटे हैं, जिन्होंने साल 2018 में महाराष्ट्र एरिया में अवनी नामक शेरनी को मार गिराया था। और अब रिपोर्टेडली असगर ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उन्हें ट्रिगर हैप्पी शूटर्स यानी ऐसा दिखाया गया है जैसे उन्हें बेवजह शिकार करना पसंद हो। उन्होंने कहा कि हम वहां सरकार के द्वारा बुलाए जाने पर गए थे और आदमखोर शेरनी को मारा था, जिसने 14 लोगों की जान ली थी, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे हम मजे के लिए शिकार कर रहे थे। वेल, फिलहाल इस पर अब तक पब्लिकली फिल्म से जुड़े किसी भी ऑफिशियल पर्सन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब रिपोर्टेडली असगर ने फिल्म रिलीज होने के 15 दिन पहले लीगल नोटिस भेजा था और वो टीम के जवाब से खुश नहीं थे, तो जरूरी एक्शन तब क्यों नहीं लिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शूटर असगर की तरफ से मिली इस धमकी पर शेरनी के मेकर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे बॉलीवुड नाउ के साथ।